अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखना। आज मैं पाए का सालन बता रही हूँ। ये मैंने 4 पाए ली हूँ और इसे मैंने अच्छी तरह से धो ली हूँ। धोने के बाद कुकर में मैंने 4 पाए और 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हूँ, जो एकदम बारीक काटी हूँ। उसे भी कुकर में डालना है। और ये खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिरी और बड़ी इलायची, वो भी डालना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हमें नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाना है। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालना, नमक 2 जगह जाएगा। अभी हम जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तब भी नमक जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिला के हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसमें 6 सीटी लगाएंगे। तो मैंने 6 सीटी में 3 सीटी फास्ट गैस पे लगाई और 3 सीटी नॉर्मल एकदम धीमी आँच में 3 सीटी लगाई हूँ। 6 सीटी में मेरा जो पाया था वो एकदम अच्छे से गल गया था। अच्छी तरह से मिला के ऐसे सीटी लगाने के लिए रख दीजिए। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। बहुत काफ़ी दिन नहीं, कम से कम 1-1.5 साल बाद मैंने वीडियो डाली हूँ। अब एक टोक में हम 3 बड़े चम्मच तेल के लेंगे। तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छा भून लेंगे कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इतना हमें इसे भूनना है। ये भून जाएगा तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसे अच्छा भूनेंगे कि इसमें छन्नी की तरह एक जाली बनने लग जाए। इस तरह से हम इसे भून लेंगे, धीमी आंच में भूनेंगे और लगभग 5 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए ये एकदम अच्छी तरह से भून चुका है और पाया भी है जो बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब मैं ये पाया पूरा इस स्टोव में डाल दूंगी और इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं मिलाई हूँ। जो हमने पाया उबालने के टाइम 2 ग्लास से 2.5 ग्लास पानी इस्तेमाल करे थे बस वही है। अब इसे अच्छी तरह से मिला के हम इसमें नमक टेस्ट करेंगे। तो मैं 1/2 टीस्पून नमक और डालूंगी। सबसे पहले मैं 1 प्याली तेल दही लूंगी और 1 छोटी प्याज जिसे मैंने बरिस्ता बना ली थी, फ्राई कर ली थी वो, और दही मिला के अच्छे से मैं पाए के सालन में इसे मिलाऊंगी। इस तरह से देखें मिला के पाए के सालन में हमें इसे मिलाना है। तब हम इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना। मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी जिसको मैंने बीच में से चीरा मान ली लगा ली थी, वो मिर्ची भी आप डालना, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ।
मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला के 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकने देंगे। फिर इसमें बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। थोड़ा मैं रोक रही हूँ गार्निश के लिए, अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसे आप बारीक काट के ज़रूर डालना। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना था ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये पाए का सालन, इजी एंड सिंपल। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बहुत काफ़ी दिनों के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं क्रोशिया वर्क भी शुरू करने वाली हूँ मेरे चैनल पे, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखना। मैं लेस बनाने सिखाऊंगी।